हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है आज पपूर एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली साथ खुश होंगे। अभी हम ये होटल का रूम है तो जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से नहीं तो हम अपने घर पहुँच गए होते रात में ही। और थोड़ा हम लोगों को जो है ना ग्वालियर में काम था, तो फिर हमने कहा ये काम भी अब जब निकले ही हैं, क्योंकि फिर घर से निकलने में हो जाता है कि आज चलेंगे कल चलेंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि ये काम भी कर लेते हैं। तो बस ग्वालियर में हमें एक काम था, वो हम लोग करने के लिए ग्वालियर के अंदर चले गए। अच्छे गए थे, बढ़िया काम भी हो गया था जिस काम के लिए गए थे। लेकिन वो काम करने के बाद एक हम मतलब फंस गए बुरी बुरी तरीके से। और क्या बताऊँ उसके बारे में, नहीं बता सकती हूँ क्या हुआ था। तो एक हम ये समझ लीजिए मुसीबत में ही फंस गए थे। तो बस उसको जैसे तैसे हैंडल किया, तो फिर काफ़ी परेशान हो गए थे और काफ़ी लेट भी हो गया था रात में, और बच्चे भी काफ़ी परेशान हो गए थे साथ में। तो बस इसलिए फिर हम लोगों ने फैसला किया कि चलो रात को यहीं रुकते हैं, क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं है कि हम मुरैना तक का सफ़र करें। क्योंकि बच्चे भी पहले तो हंसी खुशी जो है ना मॉल में खूब घूम लिए थे फिर लिए थे, लेकिन उसके बाद तो हम एक प्रॉब्लम में फंसे, तो फिर काफ़ी लेट हो चुका था। तो बस इसलिए हम लोग रुक गए, और मेरे भी सिर में इतना दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा रुक लो आज, ठीक है, होता रहता है, क्योंकि कब पता नहीं रहता है कब कौन सी प्रॉब्लम सामने आ जाए। तो हर प्रॉब्लम से जो है ना झेलना पड़ता है, उसका सामना तो करना पड़ता है, और बच्चों के साथ हो तो फिर उनका आराम भी देखना पड़ता है। और बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी हमें सोना है सोना है। गाड़ी में ऐसा तो रहता नहीं है कि वो आराम से मतलब सो जाए, गोदी में एड़े टेढ़े डले होके जाते। तो इससे अच्छा हमने कहा चलो चलते हैं। तो बस अभी उठ गए, अब नाश्ता वगैरह करेंगे और अब घर के लिए निकलेंगे। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ यह रूम। अभी तो फिलहाल बच्चे तो सो ही रहे हैं। इधर ये गुलाब सा वैसे नीचे लेटी हुई थी, लेकिन अभी मैं उठ गई हूँ उधर से, तो इसलिए गुलाब सा इधर लेट रही है। हाय फ्रेंड्स, और बस अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, ये भी लेटे हुए हैं। तो बस जो रात पे हुआ था हमारे साथ घटित दुर्घटना घटित, उसके बारे में ही अभी तक हमारी चर्चा चली रही है कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, मतलब सोचा नहीं था ये होगा, तो पता नहीं है। तो ये लेटे हुए कभी हैं भी कुछ भी हो अफसोस सकता है। अफसोस करते हुए ये लेटे हुए। और रख रहा है हाथ उस पर, मन से दे रही हूँ मनी में। मेरे बच्चे पे हाथ नहीं रखो, सो जाओ। सपने में कोई हाथ रख रहा है उस सपने में क्या पर। मेरे ये क्या दर्द सही नहीं हो रहा, इसमें दर्द हो रहा है। किसी के सिर में दर्द होता है, मेरे इधर दर्द होता है, तो इधर कैसे दर्द हो रहा है वाली से? इधर ही होता है। मेरे सिर का दर्द इधर ही होता है जी, मेरे सिर का दर्द होता है। वो टेंशन ले रही हो तुम, टेंशन आ रही है। टेंशन बंद निकल रही है। टेंशन बात कर लीजिए, तो यहाँ से ऐसे दवा रही ना थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी के होता था आधे सिर में दर्द। तो चलिए अब हम लगाते हैं कॉल और करते हैं अपना नाश्ता ऑर्डर। क्या मिलेगा होटल में ये भारी करने जाते हुए है? क्यों लगा यहाँ पे? ऐसा लग रहा है नहा लेते हैं, बस नहाते हैं और चलते हैं रेस्टोरेंट है वो, तो फिर तक अच्छी पहुंच जाए। रेस्टोरेंट है वो, हैं अच्छा रेस्टोरेंट है इसमें। हाँ तुमने देखा है? हर चीज मिलेगी, पोहा मिलेगा, आलू का पराठा मिलेगा, तो ये मैं मेन्यू कार्ड लेकर आया, चाय उसमें देखती हूँ मिलेगी। क्या है। हाँ चाय तो पियेंगे, अंधेरा अंधेरा लग रहा है, अभी एक लाइट चालू कर दो। बहुत जला हो गया। बहुत उजाला हो हाँ गया। ये मुझे यहाँ का लैंप बहुत अच्छा लग रहा है, और रूम भी काफी अच्छा मिल गया। मतलब अरे अब पूरे बच्चे सो रहे हैं, बावली बच्चे मटक रहे हैं स्वप्न में। तो अपनी आवाजों से उठ रहे हैं बेचारे, क्या करें। लो इसको बंद करो लैंप को।
तो ये लैंप ना मुझे काफी अच्छा लगा, ऐसे मैं अपने रूम में भी रखूंगी। और बच्चे बोले नहीं है, वैसे मैं सोचती हूँ कुछ कोई शोकेस वगैरह अगर मैं रखूंगी तो बच्चे गिराएंगे। घंटे से कसवा देना। और इमरजेंसी में मतलब एकदम से रूम लिया, लेकिन अच्छा मिला, वरना ऐसा लग रहा था कि रात में पता नहीं रूम कैसे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या हुआ, लेकिन मिल जाते हैं। अब मेन्यू देखो। हाँ ग्वालियर तो इतनी बड़ी सिटी है, बड़ी सिटी है हमारे लिए, है ना। क्या है, मसाला कोक कोक, आलू का पराठा। देखो स्पेशल वेज थाली भी है यहाँ पे 350 की, नॉन वेज थाली है 400 की। हमें ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना है, रूम नंबर 202। 202 वो हमें चाहिए एक गोभी का पराठा और एक पनीर का पराठा, और ये पूरी भाजी कर दीजिए एक जी, और चाय कर दीजिए 2 कप। तो बस खाना तो कर दिया है ऑर्डर, और खाना कि अब नाश्ता? वो खाने जैसा ही लग रहा है जो नाश्ता ऑर्डर किया है। तो उसमें हाँ, हमने नाश्ते में क्या करा है ऑर्डर, वो आलू पूरी करी है, और क्योंकि आलिया खा लेगी जिससे, क्योंकि पराठा वो खाती नहीं है, और पूछा मैंने मना कर दिया उसने, तो आलू पूड़ी मंगाई है और पराठा मंगाया है पनीर का, और चाय बनाइए मंगाई है, बस बनाई नहीं है मंगाई है। तो बस यही नाश्ता किया मंगाया है हमने। तो जब तक नाश्ता आता है, जब तक हम जो है ना कर लेते हैं प्रेस 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 प्रेस, और मुझे ये कांच बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तक टीवियों में देखा था, अब रियल में देखा है, लाइट वाला जो कांच है ये देखो। तो ऐसे ही मैं अपनी बाथरूम में लगवाऊंगी। अब घर बन रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है ये चीज मैं करवाऊंगी, ये चीज मैं करवाऊंगी, तो देख कर। तो बस अभी हम कर लेते हैं ब्रश, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, तो ये है पराठा, पूरी, और ये दही, पूरी सब्जी का, पूरी सब्जी। और ये है सब्जी आलू, और ये है चाय, तो ये देखिए हमने कप में चाय ले लिए, और हम करेंगे पराठे के साथ इसको खाएंगे, करेंगे क्या। चाय के साथ पराठा, ये है पनीर का पराठा, इसमें पनीर की फिलिंग भरी हुई है। चलो फल। तो बस हमारा नाश्ता हो गया है, और हम लोग नहा भी लिए हैं, तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। नाया तो अभी सो ही रही है, उठेंगी तब, क्योंकि इसको अगर पहले से उठा देती ना अपने मतलब खुद से, तो ये जो है ना रोती है बहुत ज्यादा, तो बस इसलिए अभी उठ जाएगी जब तक हम लोग, क्योंकि ये भी अभी नहाने गए हैं, थोड़ा नहा कर जो है ना फ्रेश लगता है, इसलिए हमने कहा नहा लेते, थकावट भी कर जाएगी कल की, जो हम कल इतना परेशान हुए हैं, तो उसका थोड़ा मूड रिलैक्स हो जाएगा। तो बस अभी रेडी हो चुके हैं, आलिया ने कर लिया नाश्ता। कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा। अभी नाया का देखते हैं नाया क्या खाती है, क्योंकि नाया उसमें से कुछ भी चीज़ नहीं खाती, सुबह सुबह वैसे घर पे तो दूध पीती है। गई। अरे वाह, नोट के बैठ गया।
इन्हों की बात की नोट के बैठ गया। हेलो, यहाँ से ना बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो बस ये भी आ चुके हैं नहाकर। कैसा लग रहा है? फ्रेश फ्रेश लग रहा है, नहा लिया फ्रेश बस, फ्रेश लग अच्छा लग रहा रहा है। और क्या, है। और अब गुलाब सा जा रही है नहाने, तो बस गुलाब सा नहा ले जी। क्या है, नहाने से पहले बस चीख करती है। गुलाब सा नहा ले और फिर चलते हैं। तो ये था हमारा रूम, इस तरह का बेड, ये टेबल थी यहाँ पे, ये टीवी थी। तो मैंने ठीक सोचा जाते जाते मैं दिखा देती हूँ। और हमने काफ़ी सारी पानी की बोतल पी ली है, ये देखो। तो ये टीवी लगी हुई है, काफ़ी अच्छा रूम है। बस अभी मैं और रेडी हो रही हूँ जल्दी ये की। कैबिनेट है, ये है, यहाँ हमें लॉकर भी मिला हुआ था, ये देखो। और खर्चो एक रख दिया। और ये हमारा वॉशरूम था, क्योंकि हम जा रहे हैं ना, इसलिए मैं था बोल रही हूँ। और ये मिरर, प्यारा रूम था ये। तो बस अभी हमें चेकआउट करने का टाइम आ गया है, कर दिया है, और बस चल रहे हैं अभी। और अब घर पहुंच कर मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से। तो बस गुलाब सा रह गई है, चल गुलाब सा, चलो बच्चे चले गए हैं बाहर, तो चलते हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला, आराम मिला, क्योंकि थकावट के बाद अगर कहीं सुकून भर पल बिताने का टाइम मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए चलते हैं।